हाय हेलो, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट मैथ्स लेक्चर नंबर 7। तो ये लेक्चर में दोस्तों एक बात याद रहे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज द नेम ऑफ द टॉपिक। वन मस्ट नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स में, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ओके, उसके अलावा कंडक्शन ऑफ हीट में, हीट ट्रांसफर में, बहुत सारी जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है, ओके। और एक बात, जहां पे भी एक एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज की जहां जहां बात आएगी वहां वहां डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होने वाला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स और डेरिवेटिव्स। जिसमें डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा आपका, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई एग्जांपल, और हाँ, ऑर्डिनरी, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें का फर्क मैं आपको बताता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है, तो अगर मैं लिखू डीवाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे एक्स हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बात याद रहे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक ही होगा, एक तो एक्स या टी समथिंग होगा, ओके, या वेरिएबल और भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, डो जेड बाय डो एक्स प्लस डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ओके, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई, और ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव यानी वो आपको कंसेप्ट में बाद में अलग से बताऊंगा, उस पर एक लेक्चर लेंगे अपन कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो फिलहाल इतना समझो डिफरेंस के लिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, एक्स, ओके, और एक्चुअली व्हेनेवर y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड सॉरी y इज डिपेंडेंट एंड x इज हियर इन दिस केस इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो ऐसे इसका है हिसाब। अब इसमें आपको और एक बात मुझे बतानी है, इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ओके, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? दैट इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, सब में पहले तो हमें ऑर्डर और डिग्री के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। बोले एक बार, क्या बोला? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कोई मूवी में क्या होता है कि हीरो जो बोलेगा वही होता है, ओके, जैसे रजनीकांत की मूवीज में एवरीथिंग इज रजनीकांत थलाइवा, ओके, वो मतलब वो अगर निकाल दिया जाए कैरेक्टर तो मूवी मतलब उसको वैल्यू नहीं रहेगा। वैसा यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो याद रहे ऑर्डर एंड डिग्री का मेन हीरो क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डिग्री का जो ऑर्डर वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और हाईएस्ट डिग्री के पावर में जो नंबर होगा तो वही होगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रहे यहां पे
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर में फ्रैक्शन अगर आए तो उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको बोला जाता है रेडिकल साइंस। ये रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पावर में 3/1/4, 5/6, 3/2, इनको बोला जाएगा फ्रैक्शंस। तो मतलब ये वी हैव टू रिमूव रेडिकल साइंस। ओके, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं ताकि वन बाय वन, तीन क्वेश्चन लेंगे हम। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3 इज इक्वल टू सी क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री। क्या ये सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, सी सेकेंड ऑर्डर, थोड़ा राइटिंग बड़ा निकालो सर, सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, डी थर्ड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री। तो देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, यहां पे स्क्वायर था जो हमने पहले नहीं लिखा था। तो देखो, सिंगल डेरिवेटिव बड़ा होता है या डबल डेरिवेटिव बड़ा होता है, दोनों में से देखो ना। तो यहां पे dy / dx है और ये है डी स्क्वायर / dx स्क्वायर, उसके पावर में क्या नंबर है, इसके पावर में क्या नंबर है, फिलहाल वो मत देखो। सिंगल डेरिवेटिव बड़ा है डबल डेरिवेटिव बड़ा, मतलब वी हैव टू चूज हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे क्या हुआ बोलो जरा, dy/dx हुआ कि डी स्क्वायर / dx स्क्वायर हुआ? अरे भैया जी, डबल डेरिवेटिव बड़ा होगा ना, सिंगल डेरिवेटिव ना थोड़ी बड़ा होगा। सो डी स्क्वायर / dx स्क्वायर हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर दो है, डबल डेरिवेटिव या ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर टू, सो ऑर्डर हुआ टू। ये डायलॉग लिखा ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और यहां पे कोई रेडिकल साइन नहीं है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर में फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉर्मल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। तो ऑर्डर टू हुआ, उसके पावर में नंबर दो है। तो डिग्री के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताया था, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर इज टू और उसी के पावर में नंबर दो, मतलब ये हो आपका डिग्री, तो डिग्री टू। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट एवर आई हैव रिटन इज ओवर देयर इज सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो मैंने लिखा है उतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखकर डायरेक्टली आंसर लिख सकते दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको लिखना है जल्दी से लिख के लो, तब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं। दोज वांट टू राइट टेक इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 3d²y/dt² + 4dy/dt का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू टी हैज डिग्री 2 ऑर्डर 1 B, degree 1, order 2, C, degree 4, order 3, or D, degree 2, order 3.
सो बाय ऑब्जर्वेशन ओनली फ्रेंड्स वन कैन टेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि वहां पर कोई रेडिकल साइन है क्या, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर में फ्रैक्शन कुछ है क्या. पहली बात तो y इज अ फंक्शन ऑफ t हियर, y का रिलेशन t के साथ है. पहली बात समझने की कोशिश करो, y का रिलेशन t के साथ है, dy by dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. सो t यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t डिपेंड नहीं है किसी पे, बट y इज डिपेंडेंट ऑन t, सो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, हाँ, तो यहां पर कोई फ्रैक्शन वगैरह पावर नहीं है, तो सिंगल डेरिवेटिव बढ़ा या डबल डेरिवेटिव बढ़ा दोस्तों. कौन सा डेरिवेटिव बढ़ा होगा यहां पे, चेक कर लो फटाक से. डबल डेरिवेटिव बढ़ा, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर. सो हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ इसका ऑर्डर क्या है, टू है, डबल डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर टू हुआ उसका. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव. हाइएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. सो ऑर्डर टू आया इसका. अब ये क्यूब वो छोड़ दो, सिंगल है ना वो भैया जी, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव हो तो बड़ा का हुआ, डबल हुआ ना बड़ा. सो उसके पावर में कुछ ना ही मतलब वन है ना, सो डिग्री वन. सो ऑर्डर टू डिग्री वन मतलब डिग्री वन ऑर्डर टू, डिग्री वन ऑर्डर टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो कौन सा हुआ भैया इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट हुआ. देख लो अच्छे से, सब में पहले क्या करना है, अपन ने हाईएस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. ये जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने यहां पे फाइंड किया था, फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जो नंबर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जो नंबर होगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, डिग्री होगा. टेंशन मत लो, बड़ा सिंपल है दोस्तों. और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन, तीन लेंगे आज, फिर इसके बाद का बाद में देखेंगे. इतना याद रहे, जिसमें डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आते हैं उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन. द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डी क्यू वाई बाय dx cube plus 4 into under root of dy by dx ka whole cube plus y square is equal to 0. देखो अच्छे से, बस जस्ट क्वेश्चन लिखने तक यार. देखो भाई, क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आता दोस्तों. अच्छे से देखना है आपने, ये प्रॉब्लम भारी है. ये यहां पर रेडिकल साइन आया ना दोस्तों, हियर कम्स रेडिकल साइन. बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. हाँ, अब यहां पर आप देख सकते हो डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस फोर इंटू अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू प्लस वाई स्क्वायर. ये फोर बार है, फोर तो रूट नहीं है वो दोस्तों. सो यहां पर अपना रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू. सो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स हियर, स्क्वायर कर रहे, माइनस फोर का स्क्वायर 16 होगा, रूट ऑफ स्क्वायर वो चला जाएगा. रूट ऑफ स्क्वायर चला जाता है स्क्वायर करने के बाद. अब देखना दोस्तों, ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो बड़ा कौन सा हुआ, एच डी यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे, सिंगल या थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट हुआ ना यहाँ पे. सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दिस केस. सो देयरफॉर वन मस्ट नो दैट उसी का ऑर्डर थ्री होगा. हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है, यहां पे याद रखो, एच डी हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा.
सो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, सो ऑर्डर इज 3। उसके अलावा उसी के पावर में जो नंबर है वो डिग्री होता है, सो ये डिग्री। सो हियर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जिधर है उधर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए अपना। सो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव है थर्ड ऑर्डर, सो ऑर्डर 3, और उसी के पावर का नंबर डिग्री होता है, सो 3 एंड 2। पहले ऑर्डर बोला है तो ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है, तो 3 एंड 2 विल बी द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो बड़ा आसान है, अपने को क्या लगता और यार इतना डेंजर इक्वेशन इसका क्या होगा, अरे कुछ नहीं बहुत आसान होता है दोस्तों, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम समझ के पढ़ाई नहीं करते। अगर आप समझ के पढ़ाई करोगे तो आई थिंक यू कैन क्रैक 15 मार्क्स ऑफ गेट मैथ्स, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो भाई मैथ्स की वजह से आपका स्कोर कम होता है, तो अगर आप मैथ्स पे थोड़ा फोकस करोगे तो 15 मार्क्स आपके गेट में, गेट एग्जाम में प्लस हो जाएंगे। सो थोड़ा सा समझदारी के साथ समझ के पढ़े, अगर आपने बेसिक क्लियर करे, थोड़ा टेक्निक सीखे, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो चलो आई एम विथ यू इन दिस जर्नी। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करने का बोलो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में कोचिंग मिले गेट मैथ्स का। ओके थैंक यू दोस्तों।